हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ पपाया फेशियल। और पपाया फेशियल हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्किन को ग्लोइंग, ब्राइटनिंग और व्हाइटनिंग बनाता है। आज हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप पपाया फेशियल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बनाएंगे फेस क्लींजर, तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा पपाया और रॉ मिल्क। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे फेस स्क्रबर, तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पपाया और थोड़ा सा राइस फ्लोर। दोनों को अच्छे से मिलाकर इसका भी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे फेस मसाज क्रीम, तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पपाया और एलोवेरा जेल। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। देन हम तैयार करेंगे फेस पैक, और ये लास्ट स्टेप है। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पपाया, वाइल्ड टर्मरिक, चंदन पाउडर और रॉ मिल्क। इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 4 स्टेप है। सबसे पहले ये है फेस मसाज क्रीम, उसके बाद ये है स्क्रबर, और ये है क्लींजर, ये लास्ट स्टेप है फेस पैक। इन सारी चीज़ों से हम आज अपना फेशियल करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। देन आपको लेना है फेस क्लींजर, और इससे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अपने फेस की मसाज करना है, जिससे फेस की जो गंदगी है वो अच्छे से साफ हो जाए। और ये फेस पैक ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को भी काफ़ी अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे फेस काफ़ी क्लीन और स्मूथ लगता है। उसके बाद फेस को वाटर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। फेस को क्लीन करने के बाद स्किन काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट लग रही है मुझे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम करेंगे सेकेंड स्टेप में फेस को स्क्रब। आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब करना है। ये स्क्रब स्किन से डेड सेल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। स्क्रब करने के बाद स्किन काफ़ी सॉफ्ट, मुलायम और ग्लोइंग हो जाती है, तो आपको स्क्रब अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको अच्छे से अपने फेस को वाटर से क्लीन कर लेना है। स्क्रब करने से ही स्किन काफ़ी ग्लोई लग रही है और काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ लग रहा है मुझे। तो स्क्रब करने के बाद अब हम करेंगे थर्ड स्टेप में फेस को मसाज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्किन को ग्लोइंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग बनाने में। अगर आप अच्छे से फेस मसाज करते हैं तो स्किन काफ़ी ग्लोइंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग लगता है। तो फेस को 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है। फेस मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है और फेस पर नेचुरल ग्लो आता है। फेस मसाज करने से झुर्रियाँ, फाइन लाइंस काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो आपको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है, और आपको हल्के हाथों से धीरे धीरे मसाज करना है। आप जितना मसाज करेंगे उतना ही अच्छा फेस पर ग्लो आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। आपको जैसे आता है आपको वैसे ही मसाज करना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मसाज कर सकते हैं, और मसाज करने से फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो मसाज करने के बाद आपको अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में अप्लाई करेंगे फेस मास्क। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फेस पैक लेकर अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, और काफ़ी थिक लेयर लगाना है आपको, और अच्छे से अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसको सूखने देना है, और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा ड्राई रहे उसके बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं फेस काफ़ी क्लीन लग रहा है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये फेशियल। तो आप भी अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पर। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।